हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल, 10 क्लास मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। डिवाइड द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमें गिवन है पीएक्स। पीएक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, उसको हमें डिवाइड करना है जीएक्स से और हमें फाइंड करना है क्या, क्वोशेंट और रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना क्वोशेंट कितना है और रिमाइंडर कितना है। हमें तीन इक्वेशंस, तीन गिवन है यहाँ पे, पीएक्स गिवन है और जीएक्स गिवन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसको जो आपको पीएक्स है, जो पॉलिनोमियल है, उसको हम अंदर रखते हैं एक्स की पावर क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। ये हमें पीएक्स गिवन है, इसको किससे डिवाइड करना है हमें, जीएक्स से। जीएक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वेयर माइनस टू। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमें फर्स्ट नंबर गिवन है, जो फर्स्ट टर्म गिवन है, उसको सेम करना होता है। इस नंबर को हम किस चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, हमारा एक्स की क्यूब आ जाए। एक्स स्क्वेयर है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक्स से। एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स की क्यूब। अब माइनस टू की भी मल्टीप्लीकेशन किससे होगी, एक्स से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस टू एक्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्क्वेयर नहीं आया, हमारे पास क्या है, माइनस टू को अगर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू एक्स आया है। तो हम इसको कहाँ पे रखेंगे, एक्स के नीचे ही रखेंगे। अगर एक्स स्क्वेयर आता तो हम यही रख देते इसको, लेकिन अभी हमारे पास क्या आया है, एक्स आया है। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, माइनस टू एक्स, ये नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि x के नीचे ही x को पुट किया जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, आपको साइन चेंज करने पड़ते हैं। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव यूज करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आएगा आपका रिमाइंडर के अंदर, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस है ना, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, प्लस का फाइव एक्स और प्लस का टू एक्स, ये हो जाएगा आपका प्लस का सेवन एक्स। उसके बाद क्या बचा आपका, माइनस थ्री, नीचे उतार लीजिए इसको, माइनस थ्री। अब उसके बाद आपको हर बार क्या करना है, आपको जब भी डिवाइड करना है तो जो फर्स्ट टर्म है उसको आपको इक्वल करना है एक्स स्क्वेयर को, या जो भी आपको यहाँ पे गिवन होगा उसको इस तरह से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाए आपके पास वैल्यू। अब देखिए आपके पास एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर है, आपको किस चीज की जरूरत है, माइनस थ्री। अगर मैं माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर। तो माइनस थ्री से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस थ्री और टू क्या हो जाएगा आपका, सिक्स। अब देखो ये बगैर एक्स का आया है तो इसको हमें कहाँ रखना पड़ेगा, एक्स के बगैर एक्स के नीचे ही रखना पड़ेगा इसको हमें। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, थ्री और टू कितना हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन के बाद सिक्स। अब साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव। अब उसके बाद कैंसिल कर दीजिए इनको, अब उतार लीजिए सेवन एक्स, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस और साइन आपका होगा माइनस, सेवन एक्स माइनस नाइन। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, आपको बताना था, एक तो रिमाइंडर बताना था और एक आपको क्वेश्चन बताना था। तो आपको पता ही है ये डिविडेंट होता है, ये डिविजर होता है, ये क्वेश्चन होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो आपको क्या क्या बताना है, एक तो आपको क्वेश्चन बताना है, ये आ गया आपका क्वेश्चन। एक आपको क्या बताना है इसके अंदर, ये नेगेटिव था यहाँ पे, यहाँ पे आपको बताना है रिमाइंडर, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। तो लिख लीजिए कितनी कितनी वैल्यू आई हमारे पास इनकी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट कितना आया है, ये है हमारे पास x माइनस थ्री। दूसरा हमें निकालना था रिमाइंडर, रिमाइंडर लिख लीजिए, रिमाइंडर कितना आया हमारे पास यहाँ पे, सेवन एक्स माइनस नाइन। फर्स्ट पार्ट सोल्व कर चुके हम, अब चेक करते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए पीएक्स है, जीएक्स है। अब देखो सेकेंड पार्ट को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा कुछ मैं बताना चाहूंगी इसमें आपको। अब देखो एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर स्क्वायर, एक्स विदाउट एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म। अब देखो इसमें अगर हमारे पास एक्स की क्यूब है वो सीरीज के अंदर नहीं गिवन है, तो इसको हम ऑलरेडी मान लेंगे, अपने आप से मान लेंगे कि एक्स की क्यूब को हम जीरो कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर एक्स की क्यूब को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसको करने से थोड़ा ईजी रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा इसके अंदर हमारा। तो रख लीजिए इसको px क्या है आपका, x की 4। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, जीरो कोफिशियंट यूज करना है, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, x की क्यूब, क्योंकि इसको अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी वैल्यू हो क्यूब की हमारी, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, जीरो। ये एक्स्ट्रा लिखा है इसके अंदर हमें। उसके बाद जो बचा हुआ थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करना है आपको किससे, एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस एक्स। इसमें भी आप इसको ना सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिए, पहले एक्स स्क्वेयर फिर एक्स और विदाउट एक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर
माइनस एक्स, क्योंकि एक्स के सामने किसका साइन है, माइनस का साइन है, उसके बाद है प्लस वन। अब सबसे पहले आपको एक्स की पावर फोर लेके आनी है और आपके पास है क्या, एक्स की पावर टू, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, एक्स स्क्वायर से, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एक्स की पावर फोर, एक्स टू और माइनस एक्स और आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा माइनस एक्स की क्यूब। इसलिए लिया था हमने यहाँ पे क्यूब जो ये ना जीरो के कोफिशियंट के साथ, ताकि हम इसको एक्स को इसके नीचे पुट कर सके। उसके बाद है वन की और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर। अब सोल्व कर लीजिए, आगे साइन चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब क्या बचेगा आपका, ये आपका आ गया है प्लस एक्स की क्यूब, यहां लिख लीजिए एक्स की क्यूब, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा आपके पास माइनस फोर एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो भी बचा आप उतार लीजिए, प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लेके आना है, एक्स क्यूब लेके आना है, एक्स स्क्वायर ही है हमारे पास, तो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, इसको किया जाएगा प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स की क्यूब। अब प्लस एक्स और माइनस एक्स अगर मल्टीप्लाई में आते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस वन और एक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स, साइन चेंज कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका नेगेटिव, सॉरी यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा आपका नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, माइनस का फोर एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा आपके पास माइनस, प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का फोर एक्स है, यहाँ पे माइनस, ये वाले साइड काउंट करने हैं आपको, माइनस का एक्स है तो यहाँ पे बचेगा आपके पास प्लस का थ्री एक्स, ये फाइव उतार लीजिए नीचे, प्लस फाइव। अब हमें यहाँ पे क्या लेके आना, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और हमारे पास क्या है ओनली एक्स स्क्वायर है, तो किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस थ्री से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस थ्री और माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपका माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री एक्स, माइनस थ्री और वन, अगर इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री, साइन चेंज कर लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपके पास जीरो आ गया है, ये भी आपका कैंसिल हो गया है, प्लस का फाइव और प्लस का थ्री, आपके पास कितना आ गया है एट, तो रिमाइंडर आ गया आपके पास एट, और जो क्वेश्चन था वो कितना आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, लिख लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना है आपके पास यहाँ पे वैल्यू, ये है आपका क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, और रिमाइंडर कितना आया इसमें आपके पास, रिमाइंडर आ गया आपको एट, ये सोल्व हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में भी आपको यही सेम डिवीजन करना है, क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको चेक करना है, तो इसमें चेक कीजिए, सबसे पहले पी एक्स को अंदर रखेंगे आप, एक्स की पावर फोर माइनस, अब देखो यहाँ पे आप एक्स की क्यूब, एक्स का देखो स्क्वायर भी नहीं है क्यूब भी नहीं है, तो आप अपने आप से लेके चल सकते हो जीरो एक्स की क्यूब प्लस ले लीजिए इसको भी, क्योंकि प्लस माइनस लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि सारा नंबर क्या हमारे पास जीरो ही है, प्लस जीरो एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोफिशियंट हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं जीरो। उसके बाद क्या बचा है माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये यही हमारा माइनस फाइव एक्स प्लस, हमने क्या किया इस इक्वेशन में, बस एक्स की पावर क्यूब और एक्स की पावर स्क्वायर को एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है, लेकिन वहां पे हमने कोफिशियंट क्या लिए हैं जीरो लिए हैं, ताकि हमारी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक्स की क्यूब को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं एक बार अच्छी तरह से, एक्स की पावर फोर, इसके बाद है जीरो एक्स की क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये है हमारी पॉलिनोमियल, और इसको डिवाइड किससे करना है टू माइनस एक्स स्क्वायर से, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब देखो सबसे पहले आपका ये नंबर किस पे चलेगा, ये आपको यहाँ पे लेके आना है एक्स की पावर फोर, और हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस एक्स की स्क्वायर, तो हमें एक और माइनस यूज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस की एक्स की पावर फोर। आगे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर को अगर टू से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स की पावर फोर के नीचे एक्स की पावर फोर लिखेंगे, फिर हमें सोल्व करना है पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर जीरो को उतारिए या ना उतारिए इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अब आपको क्या करना है, आपके पास है प्लस का टू एक्स स्क्वायर, उसको उतार लीजिए टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि तो जीरो ही था। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या बचा है माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, अब यहाँ पे हमें टू एक्स स्क्वायर लेके आना, और हमारे पास है क्या माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस टू से,
माइनस टू से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका टू एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, टू इंटू टू कितना हो जाएगा आपका फोर, तो माइनस का फोर प्लस माइनस होगा आपका माइनस। अब उसके बाद साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा आपका और ये आपका माइनस फाइव एक्स, ये प्लस प्लस में है दोनों साइन, सिक्स और फोर कितना हो जाएगा आपके पास टेन, तो ये आ गया इसमें आपका रिमाइंडर और ये आ गया आपका क्वेश्चन। तो लिख लीजिए कितना आया हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन आया है यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास यहाँ पे, रिमाइंडर है माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सिंपली हमें क्या करना है, बस यहाँ पे डिवाइड करना है, रिमाइंडर और क्वेश्चन बताना है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में चेक कीजिए क्या गिवन है हमें। सेकंड में हमें बताना है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि जो हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है क्या वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है, आपको चेक करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है, आपको बताना है जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है। आप देखो कैसे बताएंगे, हम डिवाइड करके ही बताएंगे। अगर इसको डिवाइड करें हम, इस पॉलिनोमियल को, सेकंड पॉलिनोमियल को अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करें हम और डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो ही हमारा ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इन क्वेश्चन में आपको यही चेक करना है, सेकंड जो आपका पॉलिनोमियल है उसको फर्स्ट से आपको डिवाइड करना है। तो कीजिए डिवाइड, यहां पे आप रखिए क्या है आपके पास, टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी की पावर क्यूब माइनस टू टी स्क्वेयर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व। इसको डिवाइड किससे करना है हमें, टी स्क्वेयर माइनस थ्री से। रिमाइंडर जीरो आया तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, टू टी की पावर फोर लेके आनी है, टी की स्क्वेयर हमारे पास ऑलरेडी है तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, टू टी स्क्वेयर से। तो टू टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो आपका यहाँ आ जाएगा 2t की पावर 4 और उसके बाद आएगा आपका माइनस थ्री और प्लस टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स और टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर के नीचे रखेंगे माइनस सिक्स टी स्क्वेयर। साइन चेंज कर दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, इसको उतार लीजिए, ये जो आपका नंबर है 3t की पावर क्यूब, उसके बाद ये प्लस का है 6t स्क्वेयर, ये माइनस का है तो प्लस का 4t स्क्वेयर, ये आ चुका आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट उतार लीजिए आपका माइनस नाइन। अब देखिए आपको 3t की क्यूब लेके आना और आपके पास टी स्क्वेयर है, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा हमारा, प्लस 3t से मल्टीप्लाई किया जाएगा हमें, प्लस 3t, तो क्या आ जाएगा 3t की पावर क्यूब। अब देखो 3t को इससे किया तो 3t की क्यूब आ गया, अगर 3t को हम माइनस 3 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 9t, तो माइनस 90। टी के नीचे टी रखना है, स्क्वेयर के नीचे स्क्वेयर रखना है, क्यूब के नीचे आपको क्यूब रखना है। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 4t को नीचे उतार लीजिए, 4t स्क्वेयर, और उसके बाद आपका क्या आया है, ये भी आपका कैंसिल ही हो गया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है आपकी। अब आपका ऊपर क्या बचा हुआ था, माइनस 12, उसको उतार लीजिए माइनस 12। अब माइनस 12 नीचे उतारने के बाद देखिए आपका, आपको क्या लेके आना है, 4t स्क्वेयर लेके आना है और हमारे पास t स्क्वेयर ऑलरेडी है तो इस पॉलिनोमियल को, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, प्लस 4 से। तो कीजिए 4t स्क्वेयर प्लस 4 और माइनस 3, माइनस का 12, साइन चेंज कर दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, जीरो। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आया तो हम क्या बोल सकते हैं, टी स्क्वेयर माइनस 3 इज आ जो सेकंड, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। लिख लीजिए फर्स्ट पॉलिनोमियल, क्या हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये हमारे पास है टी स्क्वेयर माइनस 3 इज अ फैक्टर, किसका फैक्टर है, सेकंड पॉलिनोमियल, और सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, आपको गिवन है ये सारा पॉलिनोमियल, 2t की पावर 4 प्लस 3t की क्यूब माइनस 2t स्क्वेयर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, ये फैक्टर था इसका। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन सोल्व कीजिए, इसमें भी क्या गिवन है आपको, फर्स्ट पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है या नहीं है ये आपको चेक करना है। कर लीजिए चेक, डिवाइड कर लीजिए इसको भी,
तो लिखिए आपका सेकेंड पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 प्लस 5x की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। किससे डिवाइड करना है इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। देखो आपको यहाँ पे क्या लेके आना है, 3x की पावर 4 लेके आनी है क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 3x स्क्वायर से। तो आ जाएगा आपका 3x की पावर 4। 3x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 9x क्यूब। क्यूब के नीचे आप क्यूब लिखेंगे, 9x क्यूब, साइन चेंज कर दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया है, ये आपका माइनस 9 है, ये आपका प्लस 5 है, तो क्या आ जाएगा? माइनस 4x क्यूब। नेक्स्ट उतार लीजिए, माइनस 7x स्क्वायर। उसके बाद हाँ, हमारा एक ये नंबर बच गया है 3x स्क्वायर की, हमें किससे भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 से करनी है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 3x स्क्वायर, क्योंकि तीन नंबर है ना इसमें हमारे पास, अभी तक तो दो ही नंबर थे, अब तीन नंबर है, तो तीनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो माइनस 7x स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन चेंज कीजिए, माइनस का 7x स्क्वायर और ये है आपका माइनस का 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका ये? माइनस माइनस प्लस और निशान माइनस का, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर। क्या किया है इसमें एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, हमें क्या था 3x की पावर 4 लेके आनी थी, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, पहले ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 3x की क्यूब, सॉरी 3x की पावर 4, फिर 3x को आपको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9x की क्यूब, फिर 1 की मल्टीप्लीकेशन किससे करनी है आपको? 3x स्क्वायर से, तब क्या आएगा आपका? 3x की स्क्वायर। अब उसके बाद साइन चेंज करने, कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे माइनस 7x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा आपका माइनस 10x स्क्वायर। नेक्स्ट उतार लीजिए क्या है इसमें यहां से, प्लस 2x। अब उसके बाद आप इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो माइनस 4x क्यूब आ जाए, फर्स्ट टर्म है जो इसकी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो हमारे पास एक तो x से करना पड़ेगा, एक माइनस 4 से करना पड़ेगा, तो माइनस 4x कर कीजिए इसको सोल्व, माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, माइनस 4x को प्लस 3x से करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 12x स्क्वायर, प्लस 1 है और माइनस 4 है, तो माइनस 4x सोल्व कर दीजिए, साइन चेंज कर लीजिए इसके, पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके बाद अब इसमें क्या करना है आपको, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, जो बचा हो उसको लिख लीजिए, ये है आपके पास प्लस का 12x स्क्वायर, ये माइनस का 10, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2 और प्लस का 4, तो 6x क्या बचा हुआ हमारे पास? 2 बचा हुआ, उतार लीजिए इसको। अब आगे हमें यहाँ पे 2x स्क्वायर लेके आना है, हमारे पास क्या है? x स्क्वायर है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कीजिए 2 को x स्क्वायर से किया तो 2x स्क्वायर, प्लस 3x को 2 से किया तो 6x आ गया हमारा, प्लस 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, ये पूरा का पूरा साइन चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा? कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म का क्या है? फैक्टर है, तो लिख सकते हो आप एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है? 3x की पावर 4 प्लस 5x की क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2। और थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको चेक करना है कि जो हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है क्या वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं। आपको सेम क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, अगर वैल्यू 0 आती है तो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। कर लीजिए इसको सोल्व, क्या हमारे पास एक्स की पावर 5 माइनस 4x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, किससे डिवाइड करना है आपको? एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। आपको एक्स की पावर 5 लेके आना है, आपके पास कितनी एक्स की क्यूब है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 5 आ जाए? एक्स स्क्वायर से, तो कीजिए ये आ जाएगा आपके एक्स की पावर 5, माइनस 3x को अगर एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा आपका? माइनस 3x की क्यूब, प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कैंसिल हो गया, माइनस 4 है और ये प्लस 3 है, तो माइनस एक्स क्यूब बचेगा आपका यहाँ पे, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। आगे जो नेक्स्ट आपको उतार लीजिए क्या है इसमें, 3x प्लस 1, ये पॉजिटिव का ही है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब लेके आना है, एक्स क्यूब तो ऑलरेडी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? इस नंबर को हम, इसको करेंगे हम माइनस 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस एक्स की क्यूब, ये क्या है? माइनस 3x और माइनस 1 को करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस 1 और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस 1, साइन चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कैंसिल आउट, और ये भी कैंसिल हो रहा है हमारा यहाँ, प्लस का 1 और प्लस का 1, ये प्लस यूज होगा ना यहाँ पे, तो 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा यहाँ पे? 2। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आता तो ही ये इसका फैक्टर होता, तो आप बोल सकते हो फर्स्ट
जो आपका पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है आपका, एक्स की क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर नहीं है ये, जो आपकी सेकंड पॉलिनोमियल है एक्स फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ये था आपका थर्ड पार्ट।